कि सर आप सवाल इतने करा देते हो कि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, 50 में से 45-46 सवाल यही से। आप एकदम फ्रेशर है, पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कई तरह के बच्चे होते हैं। बेटा अगर आपने अभी से पहले कहीं भी कोचिंग नहीं लिया है, आपने स्कूल में पढ़ा है, बहुत बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आपको जितना समय लगाए लगा दीजिए, 3 से 4 घंटा लगता है लगा दीजिए, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जितना थ्योरी लिखा होगा और जितने क्लास में हमने सवाल कराए हैं, सब कुछ को अच्छे से लिख लेंगे, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और यह बहुत जरूरी है कि बाद में आप रिवाइज करो तो आपको पता ये थ्योरी हमें रिवाइज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सारी यहीं से हो जाएगी, ये बाहर कुछ नहीं आता। 50 में से 45-46 सवाल यहीं से आएगा, नोट्स से आएगा। कितने सवाल मैं नोट्स में करा देता हूं सर, फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीपीपी जब तुम करते हो तो एहसास नहीं होता कि हर सवाल लगभग कहीं ना कहीं डेटा चेंज करके क्लास में किया हुआ है। ईमानदारी से बताओ, डीपीपी जब तुम करते हो, तुमसे होता है नहीं होता है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि 10 में से क्या 8-9 सवाल लगता है कि ये क्लास में ही बताया गया है, क्या क्लास वाले सवाल ही डेटा चेंज करके आए हैं? हाँ सर ऐसे देते होगे डीपी में, अरे चल रहे, जहां भी चला जा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा ले, टेस्ट उठा ले, तुमको यही लगेगा कि सब क्लास नोट्स है, तो क्लास नोट सफिशियंट। तो 3-4 घंटा लगा के अब बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरी बार अगर आपने पहले से मेरे से कभी पढ़ा हुआ है या कहीं और से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो भी थ्योरी है वो सारा लिख लीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो पीडीएफ आपको मिलता है उसको जिरॉक्स करा के ब्लैक पेज में निकाल सकते हैं, या फिर उस पीडीएफ को अरेंज करके रख सकते हैं क्लास वाइज अच्छे से, वो खो ना जाए बेटा, वो खोएगा तो फिर लास्ट में ना बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, मेरे से पढ़ा हुआ है, कहीं किसी दूसरे टीचर से पढ़ा हुआ, किसी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से कंसेप्ट और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कुछ सवाल भी इंक्लूड कर लीजिए, बाकी पीडीएफ अरेंज करके रखिए, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो नोट से, शॉर्ट नोट से सारा कंसेप्ट, बेसिक सवाल रिवाइज हो जाए, बाकी खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो पीडीएफ में अरेंज करके रखिए बेटा, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने कोचिंग नहीं लिया है, अच्छी कोचिंग नहीं लिया है, कोचिंग का मतलब ये नहीं कि रामलाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे सर हम, रामलाल टाइप कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, अगर आप अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी नहीं पढ़े और पहली बार पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में थ्योरी और नोट्स सारे सवाल लिखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लिखने से सवाल समझने की शक्ति भी आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, समझ में आया कि नहीं है?